हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमंत और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, यह स्टूडियो मास्टर का डायमंड क्लब 12.2 मिक्सर है, यह 12 चैनल का लाइव मिक्सर है। तो आज हम इस मिक्सर का रिव्यू करने वाले हैं और इसकी टेस्टिंग भी करने वाले हैं और लास्ट में इसका प्राइस भी बताएंगे आपको। तो वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। HPS तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज इस मिक्सर के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर इसका आउटपुट सेक्शन है, लेफ्ट और राइट दोनों चैनल का। उसके नीचे में ऑक्स का सेंड है और उसके नीचे में ऑक्स रिटर्न है। और यहाँ पर हम एलईडी इंडिकेटर्स देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। उसके नीचे में रिटर्न का वॉल्यूम, सेंड का वॉल्यूम और पेन है। यह दोनों चैनल का पेन अलग अलग दिया हुआ है। उसके नीचे में दोनों चैनल का मास्टर स्लाइडर है। यहाँ पर रिकॉर्ड और प्लेबैक के लिए आरसी कनेक्टर्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर माइक के लिए और लाइन के लिए दोनों के लिए अलग अलग सॉकेट दिए हुए हैं। और जैसे कि सभी मिक्सरों में होता है, पहला नॉब जो गेन का होता है और हाई, मिड और लो का होता है। और उसके नीचे में ऑक्स वन और ऑक्स टू और नीचे में लेफ्ट और राइट करने के लिए पेन का वॉल्यूम दिया होता है। उसके बाद म्यूट करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है और क्लिप का इंडिकेटर है। और इसी तरह सभी चैनलों में सेम होता है। तो आइए चलिए हम इसका टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना केबल कनेक्ट कर लिया है आउटपुट के लिए और इनपुट में हम इसका माइक लगाए हैं। तो हम आपको माइक टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो 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 जी 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 हेलो जी 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 हेलो 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 जी 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 हेलो जी 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 ये बेस का नॉब है। हेलो हेलो जी 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 हेलो जी 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 हेलो 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 जी जी जी। तो इससे मेरी आवाज में थोड़ी सी बेस कम हो गई है। हम इसमें थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाते हैं। हेलो हेलो जी तो इससे ट्रेबल बढ़ गया है। तो हम मिड थोड़ा सा बढ़ा के आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो 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 जी जी जी। मेरी आवाज में काफी ज्यादा मिड घुस गई है। तो इससे मिड कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके नीचे में यह म्यूट का स्विच दिया हुआ है, जिसको दबाने से हमारे चैनल म्यूट हो जाएंगे। तो यह काफ़ी अच्छा मिक्सर है। तो चलिए हम इसका अंदर का पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे में जो हमारी स्लाइडरें लगी होती है, यह उसका टोन कंट्रोल है। यहाँ पर ये टोन कंट्रोलर की वैल्यू 22 किलो की होती है और किसी किसी में 10 किलो की भी लगी हुई होती है। यह सभी चैनलों के लिए अलग अलग दी होती है। यहाँ पर सभी चैनलों के लिए अलग अलग बोर्ड्स लगी हुई है, अलग अलग प्लेटें लगी हुई है। डायमंड क्लब और कई मिक्सरों में इसी तरह का बोर्ड दिया हुआ होता है। यहाँ पर इसकी कैपेसिटर और टोन कंट्रोल दी हुई है, आईसी भी दिख रही है।
तो कई मिक्सरों में जैसे कि एयर सीरीज होता है स्टूडियो मास्टर का, तो उसमें यह सिंगल पीसीबी लगा होता है बड़े साइज में, जिसमें सभी चैनलों के लिए अलग-अलग सेक्शन बना हुआ होता है। यहाँ पर इसकी SMPS पावर सप्लाई और पावर के लिए यहाँ पर बोर्ड्स लगी हुए हैं। तो इस चैनल वाले मिक्सर में अगर कोई खराबी आ जाती है तो रिपेयरिंग करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।